आज ये जो खबर है उसे बनाने से पहले मुझे बॉलीवुड की एक फिल्म का याद आ गया और मैं जिक्र भी करना चाहूँगा। फिल्म का नाम था कबीर सिंह और अभिनेता के तौर पे थे शाहिद कपूर। फिल्म का एक दृश्य था जहाँ रिंग करने के बाद डॉक्टर इलाज कर रहा है, हालांकि ये तो फिल्म थी। नमस्कार, मैं हूँ राणा और लेकर चल रहा हूँ जौनपुर में एक ऐसे कबीर सिंह, माफ़ कीजिएगा, एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताने के लिए जिनके बारे में एक महिला ने आरोप लगाया है कि वो दारू पीकर इलाज करते हैं। दारू पी के बिहाय पे कर रहे हैं, जो मरीजों का जान भी जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिके पांडे हूँ। मेरी बेटी दो महिमा गरिमा पांडे, उनका तबीयत खराब हुआ 26/7/22 को, तो मैं फैमिली डॉक्टर को बुला के दिखवाई पर कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला, तो मैं 10-11 बजे रात को जौनपुर लेके चली गई। वहाँ गई, देखी तो कई हॉस्पिटल बंद था। फिर सुनीता हॉस्पिटल में गई तो वहाँ जो है जूनियर डॉक्टर मिले, जूनियर डॉक्टर मुझे एडमिट ले लिए, बेटी को एडमिट ले लिए। बोले कि सुबह डॉक्टर आएँगे RP यादव, तो अच्छे से दिखवा देंगे। मैं बोली चलो ठीक है। फिर वहाँ जो है जो सिस्टर लोग थी उनका बिहेव मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, फिर भी मैं कुछ बोली नहीं ज़्यादा। तो सुबह डॉक्टर आए, मुझे पहले जांच वोच लिख के दिए, इसके बाद बोले देखो मैडम ऐसा है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ यहाँ, तो इसलिए तुम ऐसा करो कि अपना जो है डिस्चार्ज करा लो। मैं बोली डिस्चार्ज कैसे करा लूँ, बच्चे लोग का भी तबीयत नहीं ठीक है और बच्चे लोग को कहाँ लेके जाऊँगी इस हालत में। आपके यहाँ एडमिट हुई तभी आप बता देते कि नहीं यहाँ नहीं एडमिट होना है, तो बोले नहीं नहीं तुरंत डिस्चार्ज कराओ और जाओ। मैं बोली चलो ठीक है, हमें डिस्चार्ज कर दिए। मैं अपने दोनों बेटी को लेके ईसा हॉस्पिटल गई। बीच में ही मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गया। तो अब बताइए आप लोग कि ये देखिए सुनीता हॉस्पिटल, ये देखिए पर्चा सुनीता हॉस्पिटल का ही है ना, दोनों बेटी को लेके जब एडमिट थे, ये देखिए सुनीता हॉस्पिटल है ना। तो उसके बाद मैं ईशा हॉस्पिटल गई, ये देखिए वहाँ गई दिखवाई, बच्ची लोग का हालत बहुत ख़राब था, उसी समय ये निकाल दिए, जबकि जांच भी रखे हैं, हम जांच भी दिखवा देंगे, जांच भी रखे हैं, जांच भी नहीं कराने दिए। तो हमारे कहने की ये मतलब है कि अगर ऐसे ही बिहेव, अगर RP यादव, डॉक्टर RP यादव का ऐसे बिहेव रहा तो मरीजों का जान भी जा सकता है, क्योंकि इनका जो बिहेव है ये दारू पी के बिहेव पे कर रहे हैं, जो तो मरीजों का जान भी जा सकता है। तो इसलिए आप लोग से ये प्रार्थना करूँगी कि आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर मरीज को बीच में ही निकाल देंगे, जब भी निकाल देंगे, अगर इसी हाल में निकाल देंगे तो मरीज तो मर सकते हैं ना, उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है, आप लोग इस पर जो है करिए, वो कार्रवाई करिए और सब लोग इस पर ध्यान दीजिए। और अगर ऐसे ही करेंगे RP यादव तो मरीजों का जान जा सकता है, क्योंकि पेशेंट है, पेशेंट बिना पेशेंट हुए कोई हॉस्पिटल में जाता नहीं है। जब तक किसी को कोई कष्ट नहीं होता वो हॉस्पिटल नहीं जाता है। इनको ये सोचना चाहिए था कि मैं अपने हॉस्पिटल से निकाल रहा हूँ, तो बताइए दो बच्ची को लेके ये कहाँ जाएंगी, इनकी हालत ख़राब है, जबकि वो दोनों बच्ची को मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसी दौरान ने निकाल दिए। अब बताइए, ये बताइए, ये देखिए। हालांकि ATI इन खबरों की पुष्टि नहीं करता, ये आरोप है और आप उसी मकसद से इस खबर को देखिएगा। आगे क्या फैसला है वो तो यहाँ के आला अधिकारी करेंगे। मैं राणा, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।